हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक कर रहे हैं इंटरनेट। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी हमने इंटरनेट चैप्टर ही स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने बस कुछ पॉइंट्स के थ्रू गो थ्रू हुए थे हम, जैसे कि यूजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट कहाँ पे यूज़ होता है, और उसके साथ साथ हमने कुछ और टर्म्स पढ़ी थी जो बेसिकली जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तब वो यूज़ होती है, जैसे कि आपका वेब ब्राउज़र है, वेब पेज, होम पेज, वेबसाइट, एंड दीज आर सो मैनी मोर। तो ये कुछ हमने टर्म्स हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंसिडर की थी। पर अब हम उसके आगे चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस जो इंटरनेट में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज ई मेल, राइट? तो वो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बच्चे ई मेल। ई मेल हम सब लोग इस नेम से फैमिलियर हैं कि ई मेल सेंड करना, ये स्कूल की मेल आईडी है, इस तरीके से, राइट? ई मेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है ये क्या है? हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, वी यूज़ मोबाइल फ़ोन। बाय यूजिंग मोबाइल फ़ोन वी यूज़ टू सेंड SMS, राइट? एंड वी सेंड SMS ऑन मोबाइल नंबर्स कि इफ़ यू हैव कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ समवन, आवर फ्रेंड, आवर रिलेटिव, देन वी कैन सेंड मैसेज टू हिम और हर। सेम वे वी कैन सेंड ई मेल बाई यूजिंग ई मेल आई डीज। सो ऑन इंटरनेट ई मेल इज़ अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट सेंड और रिसीव द मैसेज, राइट? वी कैन सेंड और रिसीव द मैसेजेज यूजिंग ई मेल आई डी, राइट? हम कोई भी अगर मैसेज सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या इम्पोर्टेंट है? ईमेल आईडी, राइट? जैसे हम कभी किसी के पास, सो हम ईमेल आईडी इसका यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसमें बात करते हैं तो जो ये हमारे ईमेल हम सेंड करते हैं ईमेल आईडी इसका यूज़ करके, ये जो फैसिलिटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी है। अब जो बच्चे ये ईमेल हम भेजते हैं, इनके लिए हमारे क्या होते हैं? ईमेल सर्वर्स होते हैं। हमारे पास ये ईमेल भेजने के लिए हमारे पास मेल सर्वर होते हैं। जो ये मेल सर्वर होते हैं इनके ऊपर हम अपनी आईडीज जनरेट करते हैं, राइट? कि हमने अपनी आईडी बना ली है इसके ऊपर। जैसे इफ़ यू वांट टू सेंड एनी टेक्स्ट मैसेज, वी हैव सिम कार्ड, वी हैव टू अ सिम कार्ड। हमें अगर कोई मैसेज भेजना है तो हमारे पास एक सिम कार्ड होना चाहिए, मीन्स हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन नंबर होना चाहिए जिसके थ्रू हम मैसेज भेजते हैं। तो अगर हमें कोई ईमेल भेजना है तो उसके लिए हमारे पास कोई मेल आईडी होनी चाहिए, और मेल आईडी हमें कहाँ से मिलती है? मेल सर्वर से। तो उसके बेसिस पे जो हमारा मेल सर्वर है वो टू टाइप का होता है बच्चे, पब्लिक एंड प्राइवेट। अगर हम बात करते हैं पब्लिक की, मीन्स एनी वन कैन मेक द मेल आईडी ऑन दस। अगर पब्लिक मेल सर्वर है तो उसके ऊपर कोई भी पर्सन अपनी मेल आईडी क्रिएट कर सकता है। बट प्राइवेट मेल सर्वर, जो प्राइवेट मेल सर्वर होता है, जो भी बंदा उसको ऑन कर रहा है, वो जिसका भी है, जिस भी अब वो पर्सन के थ्रू कैसे बनता है? कोई बिजनेसमैन अपना अपनी कंपनी के लिए प्राइवेट मेल सर्वर बना रहा है, कोई स्कूल ग्रुप है वो बना रहे हैं, ठीक है? तो वो प्राइवेट मेल सर्वर हो जाते हैं। नो वन कैन मेक मेल आईडी विदाउट द ओनर्स परमिशन। बिना ओनर की परमिशन के प्राइवेट मेल सर्वर पर हम अपनी आईडी जनरेट नहीं कर सकते। हम उसमें तभी आईडी जनरेट करते हैं जब हम वहाँ के एम्प्लॉय हों, और जो हम उस मेल सर्वर का ओनर है उस चीज़ के लिए एग्री करता है, परमिशन करता है, तो ही उस प्राइवेट मेल सर्वर पर आईडी बनती है। पब्लिक पे कोई भी बना सकता है। तो जब हम पब्लिक की बात करते हैं, हम पब्लिक मेल सर्वर की बात करते हैं, तो पब्लिक मेल सर्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे बच्चे हमारा जीमेल, कोई भी उस पर आईडी बना सकते हैं, याहू, रेडिफ। तो ये हमारे कुछ पब्लिक मेल सर्वर हैं जिसके ऊपर कोई भी आपका आईडी बना सकता है, राइट? तो ये इन सर्वर्स के ऊपर हम अपनी आईडी जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, एंड देर इज़ नो नीड ऑफ परमिशन फ्रॉम एनीवन। हमें इसमें किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी, राइट? अब अगर हम एक सिंटैक्स स्ट्रक्चर देखते हैं
कि एक मेल आईडी का सिंटेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो सिंटेक्स स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका, कुछ इस तरीके से कि फर्स्ट जो यूज़र है वो यूज़र नेम आएगा आपका, देन आफ्टर आपका एक सिंबल यूज़ होता है एट द रेट, और जो आपका मेल सर्वर यूज़ हो रहा है यहाँ पर वो आपका मेल सर्वर आ जाता है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करती हूँ बच्चे, तो एग्ज़ाम्पल हमारा कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि अपने स्कूल की आईडी हम बात करते हैं SKPS, मैं रेंडमली मैंने एक आईडी उठाई है ये SKPS@gmail.com, राइट, दिस इज़ यूज़र नेम, दिस इज़ एट द रेट एंड दिस इज़ मेल सर्वर। तो ये आपका मेल सर्वर है, यूज़र नेम एट द रेट एंड मेल सर्वर, जो भी आप मेल सर्वर यहाँ पर यूज़ कर रहे हो वो आपका आ जाएगा। तो दिस इज़ आपका की सिंटेक्स कैसे होता है। अब हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि एडवांटेज ऑफ जीमेल, सॉरी ईमेल, हम कोई भी अगर आपकी ईमेल आईडी है किसी भी सर्वर के ऊपर है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से हैं बच्चे। सबसे पहला एडवांटेज है कि हम कोई भी मेल सेंड एंड रिसीव ईमेल वेरी फास्ट एनीवेयर इन वर्ल्ड, राइट। अगर आपको वर्ल्ड में कोई भी कहीं पर भी है, अगर आपको उसके पास मेल सेंड करनी है, यू कैन यूज़ ईमेल फैसिलिटी, और ये आप इजीली कर सकते हैं और बहुत फास्ट सर्विस होती है ये, राइट। द सेकेंड इज़ दैट यू कैन अटैच एनी टाइप ऑफ फाइल, मीन्स यू कैन सेंड एनी टाइप ऑफ अटैचमेंट, राइट। आप इसके साथ किसी भी टाइप के अटैचमेंट को सेंड कर सकते हो, साथ साथ रिसीव भी कर सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सेंड कर रहे हो तो मीन्स आप रिसीव भी कर सकते हो, यू कैन सेंड एंड रिसीव द अटैचमेंट विद इट। थर्ड है बच्चे 0.001%, मीन्स नेग्लिजिबल चांस, राइट। नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं कि आपकी जो मेल है वो लॉस्ट होएगी, आपकी मेल जो है वो कहीं गुम हो जाएगी या पहुंचेगी नहीं, जो भी है बहुत ही नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं कि आपकी मेल नहीं पहुंचेगी। अगर आपने ईमेल एड्रेस ठीक डाला है तो आपकी मेल 101% सेंड होती होती है और सामने वाले पर्सन को रिसीव भी हो जाती है। बहुत ही नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं कि आपकी मेल रिसीव या सेंड ना हो। द नेक्स्ट वन इज दैट यू कैन सेंड ईमेल टू मल्टीपल यूजर्स एट अ सेम टाइम, राइट। एक टाइम पर मल्टीपल यूजर्स को मेल सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास हमारे एडवांटेजेस हैं ईमेल आईडी के। आप चाहो तो इसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी जो मैंने बताए वही होंगे, और भी बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर आप इसमें ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो टू सेंड एंड रिसीव अ मेल, कोई मेल भेजने के लिए रिसीव करने के लिए ज़रूरी नहीं है आप अपने पीसी पर ही अवेलेबल हो, या जहाँ पर भी आपने मेल आईडी बनाई थी आप कहीं से भी अपनी आईडी को लॉगिन करके और आप मेल भेज सकते हो, बस आपके पास सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, राइट। कहीं से भी आप साइबर कैफ़े का यूज़ कर सकते हो, किसी से हेल्प लेके कोई भी अगर आपको मेल भेजनी है आप कहीं से भेज सकते हो, बस सिर्फ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, राइट। जब आप मल्टीपल यूज़र्स को सेंड करते हो यहाँ पर आप प्राइवेसी भी लगा सकते हो, राइट। प्राइवेसी में आप ये शो कर सकते हो कि आप चाहो तो आपके यूज़र्स आपस में इंटरेक्ट हो सकते हैं, उनको पता हो सकता है कि आपने ईमेल किस किस को भेजी है, एंड इफ़ आप प्राइवेसी में ये चीज़ बंद भी कर सकते हो कि आपके यूज़र्स को, सॉरी रेसिपियंट्स को ये चीज़ ना पता हो कि ये मेल और किस किस को भेजी गई है, तो ये सारे आपके प्राइवेसी के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं,
हम इसके बाद अगर कैरी ऑन करते हैं तो बच्चे वो हमारा टॉपिक है क्रिएट एंड ईमेल आईडी। बहुत सारे याहू है, रेडिफ मेल है, स्काइप है, आप इनके ऊपर अपनी मेल आईडी क्रिएट कर सकते हो, बट हम उन सब पे नहीं करके जो मोस्ट कॉमनली आज के टाइम पे यूज़ हो रहा है दैट इज़ जीमेल, यानी कि गूगल मेल। हम इसके ऊपर अपनी मेल आईडी क्रिएट करना सीखेंगे, जो कि आप लोगों के लिए अभी अलाउ नहीं होगा। आप लोग अगर अभी मेल आईडी क्रिएट करते हो तो एज़ पर योर एज सिनेरियो वो आपसे पेरेंटल परमिशन मांगता है। आप चाहो तो कर सकते हो, कोई बहुत आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि आपको अपनी मेल आईडी बनानी ही बनानी है। तो जीमेल आईडी आज हम बनाना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि हम जीमेल आईडी किस तरीके से क्रिएट करते हैं, किस तरीके से आईडी से मैसेज हम सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, अटैचमेंट हम कैसे लगा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरी अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले इस वीडियो का जो क्वेश्चन है आपका वो है, आप सभी लोग इंटरनेट यूज़ करने के लिए बच्चे वाईफाई का यूज़ करते हो, राइट? तो माई क्वेश्चन वॉज दैट वट वॉज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई एंड आई नीड द आंसर इन कमेंट्स। ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक के मार्जिन एरिया में कर सकते हैं। सो आप सबको इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी, दैट वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई।